हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू नेम इज योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश आई होप यू आर डूइंग फाइन तो आज के सेशन में हम लोग वोकेबलरी uh, के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सिनोनिम्स की फॉर्म में वो कैब पे ध्यान दिया था राइट बट इन दिस वीडियो वी विल पर्टिकुलरली फोकस ऑन सम इम्पोर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स विच विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन आइदर इफ दे कम इन द डायरेक्ट फॉर्म or if they come in the form of your comprehensions or anything like that okay so it will definitely help you and let's start our today's session without any further delay and uh, but before starting the session i would like to introduce about you uh, introduce you about our abhyas 2.0 which is a full fledged course in which you will be given uh, classes for 75 days which is live classes

बताएगा इसको तो एवरेज का मतलब होता है लालच ग्रीड ओके नाउ कैसे आप इसको याद करोगे दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न ठीक है एवरेज का मतलब होता है ग्रीड अब कुछ निमोनिका बना सकते हो कुछ वर्ड्स के लिए या फिर आप इनको बार-बार रिवाइज कर सकते हो दैट इज द होल थिंग दैट यू कैन डू फ्रॉम योर साइड ओके सो ऐसे मान लो राइज़ है और साउथ में थोड़ा राइस का लालच होता है खाने को लोग राइस ज्यादा खाते हैं एवरेस्ट ठीक है ग्रीड हो गया क्यूपिडिटी ठीक है क्यूपिडिटी और वोरेसिटी ना देर आर टू वर्ड्स वन इज वोरेसिटी एंड अदर वन इज वेरेसिटी राइट वोरेसिटी वोर आ रहा है इसमें वोर का मतलब होता है कुछ खाने का ठीक है कुछ खाने के सेंस में इसका मीनिंग जाएगा एंड इसका मतलब होता है वोरेसिटी का लालच ग्रीड ठीक है और वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ सच्चाई राइट right? इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा बिल्कुल बारीक सा फर्क है एक वोरेसिटी होता है एक वेरासिटी होता है मीनिंग ऑफ द वर्ड वोरेसिटी क्योंकि ऐसे वर्ड मान लो आपको कॉम्प्रिहेंशन में भी अगर दिख जाते हैं तो वो हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे इफ यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट मीनिंग राइट एंड इफ यू डू नॉट नो वट इज द डिफरेंस बिटवीन दोस्त जो भी आपको रहेगी कुछ ऐसी चीजें राइट right. वोरेसिटी का मतलब ग्रीड एंड वेरासिटी का मतलब मतलब ट्रूथ राइट right? फिर आता है ना कविटनेस कविटसनेस ठीक है कविटसनेस का भी मतलब होता है लालच रेपेशियस ठीक है ऐसे गाना कर लो कि उसको रैप कर करके गाने गा गा के उसको पैसा कमाने का भी लालच आ चुका है ओके रेपेशियस रेपेशियस अगे नेक्स्ट वर्ड इज अविड ठीक है एक आता है अविड एक आता है हमारा अरिड अरिड का मतलब तो होता है ड्राई सूखा बट अविड का मतलब होता है अगेन लालच राइट right? इसका मतलब होता है लालच ओके okay. फिर आता है ग्रेस्पिंग मतलब हर चीज को ग्रेस्प करने का लालच ऐसे याद कर लो हर चीज को ग्रेस्प करने का लालच ओके एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एपेक्स एपेक्स का मतलब क्या होता है एपेक्स का मतलब होता है हमारा पीक सबमिट ठीक है चोटी एपेक्स का मतलब होता है पीक टॉप राइट right? या फिर आपका आ गया टॉप आ गया पिनेकल ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं वैसे भी सुप्रीम सुप्रीम ठीक है कोर्ट जैसे कोई भी माउंटेन है ठीक है पीक इज कॉल्ड समिट है ना जेनिथ जेनिथ का मतलब भी होता है पीक हाईएस्ट पॉइंट कल्मिनेशन ओके अपोथियोसिस अपोथियोसिस और पैरामाउंट ठीक है पैरामाउंट ठीक है जैसे पैरामाउंट माउंट याद कर लो कि पैरा पैरा कमांडर है ना या फिर पैरा ट्रूपर ओके okay. पैरामाउंट से पैराट्रूपर याद कर सकते हो आप okay. फिर आता है अपोजी ठीक है ना ये तो आपने शायद पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में अपोजी अपोजी और है ना एक मतलब आ, बिल्कुल दूर पैरेजी मतलब थोड़ा सा पास ऐसे करके है ना तो ये एक निमोनिक था याद करने का ओके okay. एक इसमें वर्ड आप क्रेस्ट, क्रेस्ट भी कर सकते हो. भी थोड़ा सा इसी की सेंस में जाएगा क्रेस्ट का मतलब भी होता है एक वे होते बनता ना। ये वाला पार्ट होता है, ये नीचे वाला पार्ट होता है बोलते 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 हैं 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 इसको 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 शायद शायद हम कि क्या बोलते करके कुछ शायद बोलते इसको बोलते so, ये एपेक्स के थे अब एपेक्स का मतलब होता है टोप ठीक है एपेक्स हो गया पीनेकल हो गया और समिट हो गया कल्बिनेशन हो गया अगेन फिर आपका एक्मे हो गया ठीक है ठीक है हो, आपका हो गया पेरिजी हो गया पेरीजी नहीं अपोजी होगा पेरिजी मतलब पास पास का मतलब तो पास में पास में होगा राइट और अपोजी मतलब दूर है ना पैरामाउंट हो गया अपोथियो हो गया राइट और एक मैंने आपको क्रेस्ट इसका मीनिंग बताया तो इनको आप जब बार बार पढ़ेंगे तो ये चीजें अपने आप आपको याद होती जाएंगी इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप इफ यू आर पुटिंग दो एफर्ट्स डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग इन रिटर्न ओके नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा आज का

पैसिफाई ओशन आपने पढ़ा ही है ना पैसिफाई का मतलब होता है पैसिफाई प्रशांत पैसिफाई मतलब वैसे बोलते हैं ना शांत इसका मतलब होता है बट हम जब ओशन की बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रशांत महासागर हिंदी में है ना हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पता रहेगा इस चीज का पैसिफाई करना प्लेकेट ठीक है प्लेकेट बहुत अच्छा वर्ड है अलिवियट करना है एलिविएट का मतलब होता है कम करना टू रिड्यूस समथिंग ठीक है टू काम डाउन या मिटिकेट का एक्चुअल मतलब होता है काम डाउन करना Mitigate मतलब calm down, और alleviate का मतलब और का होता है है uh, है okay? yeah, फिर आता करना 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 किसी को appease करना, appease है ना? किसी को को ना शांत ये सारे वो वाले words है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ठीक है वैसे तो वो की कोई लिमिट नहीं है बट स्टिल हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके

Options में से भी आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे बहुत अजीब सा वर्ड है और आप कभी भी इसको एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि इसके सेंस में आपका इसका मीनिंग जाएगा क्लियर इसको बार बार प्लीज पढ़िएगा अगेन में यही चीज बोलूंगा पीडीएफ जो आपको ये प्रोवाइड करवाऊंगा इसको आपको बार बार रिपीट करना है क्लियर ओके okay. बिजार। इस बिजार का मतलब क्या होता है बिजार का मतलब होता है एक विचित्र अजीब क्लियर का मतलब होता है अजीब विचित्र आउटलैंडिश ठीक है जो पुराना हो चुका है अभी आउटलैंडिश आउटडेटेड भी आप इसको बोल सकते हो ठीक है आउटलैंडिश हो गया या फिर आउटडेटेड हो गया एब्सर्ड एकदम घटिया है ना वियर्ड ओके अटिपिकल लिडिक्रस, लिडिक्रस भी में आ जाएगा थोड़ा सा अलग सा है ना और फिर आता है ग्रोटेस्क ग्रोटेस्क बहुत अच्छा वर्ड है और इसका मतलब होता है थोड़ा विचित्र ठीक है विचित्र थोड़ा भयानक जैसा मतलब पुराना हो चुका है जैसे कोई अब मैं अगर नाइनटीन सिक्सटीज की कोई चीज पहन लू सेवनटीज की चीज पहनू कुछ तो अजीब सा लगेगा राइट देट वुड बी बिजार रिडिकलस अनकॉमन

एक्सटर्पेट ठीक है और इसके लिए काफी अच्छा भी है काफी अच्छा इसके लिए रिमूव करना वॉश आउट करना एक्सपंज करना अबोलिश करना एनिहिलेट ठीक है एनिहिलेट एक्सटर्मिनेट ठीक है एनिहिलेट में डाउट है मुझे थोड़ा सा एनिहिलेशन तो हमारा वैसे उसी में चला जाएगा अगर देखा जाए तो क्योंकि का मतलब होता है तबाही ठीक है एनिहिलेट का भी मतलब तबाही के सेंस में जाएगा और तबाही तो हर चीज को खत्म ही करती है ना वाइप आउट कर देती है उस चीज को ठीक है? तो चला जाएगा भी एक्सटर्मिनेट हो गया रेज रूट आउट करना मतलब उसको उखाड़ फेंकना ठीक है एब्रोगेट काफी अच्छा वर्ड है उसको भी ऐड करो एब्रोगेट कि ब्रो को गेट से ही बाहर कर दिया भैया एब्रोगेट मतलब ब्रो को गेट से ही बाहर निकाल दिया एब्रोगेट कर दिया राइट right? एक्सटर्मिनेट हो गया एब्रोगेट हो गया एक्सपंज अबोलिश एनिहिलेट रूट आउट करना वाइप आउट करना करना ठीक है इन सब का मीनिंग होता है आपका किसी को खत्म करना वाइप आउट करना मिटा देना क्लियर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वर्ड इज फियल्टी ठीक है फिल्दी ओके फिल okay? इसका मतलब होता है लॉयल्टी ठीक है, फिड ये फिड वर्ड जहां भी आपको रूट वर्ड में दिख गया इसका मतलब होता है लॉयल्टी ठीक है जैसे आप देखते कॉन्फिडेंट फिड वर्ड आ गया ना इसमें तो इसका मतलब है लॉयल कही कहीं ना कहीं लॉयल के सेंस में जाएगा फेथफुलनेस फिडेलिटी अलीजियंस ठीक है किसी के साथ अगर आप अलायंस करते हो ठीक है तो अलीजियंस है ना क्योंकि अगर किसी पे भरोसा नहीं है

टस का मतलब होता है अप्रोप्रिएट पैलिसनेंट का मतलब होता है का वैसे मतलब होता है इंपोर्टेंट रेलिवेंट है ना तो अप्रोप्रिएट का भी वही मतलब होता है इसमें आएगा. का मतलब होता है अप्रोप्रिएट ठीक है एप्ट का मतलब होता है पर्टिनेंट जर्मेन ठीक है जर्मेन का भी मतलब हो जाएगा आपका इंपोर्टेंट वही पर्टिनेंट

थोड़ा सा बैड की सेंस में जिसको आप बोल सकते हो अबिसमल अब अबिसमल को समझना जरूर अबिसमल के एक्चुअल में दो मीनिंग होते हैं एक का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड एंड दूसरे का मतलब होता है डेप्थलेस या फिर बॉटमलेस राइट। right? और ऐसा ही एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूट अगेन इसके भी दो मतलब होते हैं एग्जीक्यूट एक होता है इंप्लीमेंट करना एंड नेक्स्ट वन इज इसका मतलब हो जाएगा एक किसी को फांसी देना टू हैंग समथिंग है ना फांसी देना राइट right? तो इनको याद रखेंगे अच्छे से अबिस्मल के दो मीनिंग होते हैं कॉन्टेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में तो डेफिनेटली कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही इसका मीनिंग फिट बैठेगा अगर मैं बोलूं द प्लान हैज बीन एग्जीक्यूटेड राइट अगर मैं बोलूं जैसे एग्जांपल दूं दैट द प्लान हैज बीन एग्जीक्यूटेड राइट व्हाट डज दिस मीन

कार्गो कार्गो को लेके जाने में कार्गो बहुत ज्यादा है उसको लेके जाने में एम्बारगो फील हो रहा है मतलब बाधा आ रही है फिर आता है इनकम्प्रेंस इनकम्प्रेंस ठीक है इनकम्प्रेंस का भी मतलब होता है बाधा कोई रुकावट ऑब्स्टेकल तो आपको पता ही है इम्पेडिमेंट अब इसको भी सुन, समझना इम्पेडिमेंट इसका मतलब होता है रुकावट ठीक है इसको मैं यहां लिखता हूं जो इम्पेडिमेंट है ये जो पेड वर्ड आ गया ना इम्पेड पेड वर्ड का मतलब होता है पैर ठीक है पैड का मतलब होता है फीट और ये जहां पर भी रूट वर्ड लग जाएगा इसका मतलब कुछ पैरों के सेंस में जाएगा और इंग्लिश में इम का मतलब होता है नो no. इम का इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं कि हर बारी बट मोस्ट ऑफ द टाइम द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इम इसका मतलब होता है नो no, राइट right? uh, फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज डेटरेंट डेटर करना किसी को डेटर का भी मतलब होता है किसी को रोकना डेटरेंट टेंडिंग टू कोज हार्म ठीक है डेटर मतलब किसी को रोकना ठीक है इट एक्ट्स एज अ ठीक है तो बोलते हैं ना कई बार कि कुछ जैसे आर्मी में इस चीज वर्ड का काफी यूज करा जाता है कि कि भाई ऐसा कुछ करो कुछ भी है ना तो जो डेटर का काम करे जो दुश्मनों को रोके है ना तो डेटरेंट मतलब रोकना किसी को इम्पेडिमेंट का भी मतलब होता है रोकना पेड पैर और इम का मतलब नो मतलब देयर इज नो मूवमेंट ठीक है इम्पेडिमेंट ओके okay? बात समझ आ रही है नेक्स्ट वर्ड देखते हैं invidious invidious का मतलब क्या होगा invidious invidious का मतलब होगा हेटफुल ठीक है अबोमिनेबल invidious हेटफुल अबोमिनेबल अब बॉम्ब किसके ऊपर फेंकोगे आप जिससे कि आप नफरत करते हो राइट डिसडैनफुल मतलब जिससे जिसकी आप रिस्पेक्ट नहीं करते ठीक है डिसडैन का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना किसी को टू डिसरिस्पेक्ट समवन ओके and uh, the next word is despicable again the meaning of this word is despicable ठीक है disrespect ठीक है abhor abhorrent अब spelling भी देख लो साथ में abhorrent अब, अब किसी को भोर भोर एक्चुअली गांव में बोलते हैं सुबह को बिल्कुल जब एकदम सनराइज हो रहा होता है ठीक है उस टाइम को बोलते हैं भोर तो अगर आपको कोई इतनी जल्दी उठा देगा तो आपको थोड़ा सा गुस्सा आएगा ठीक है कोई डेली वो चीज करे तो धीरे धीरे गुस्सा वो नफरत में बदल जाएगा ऐसे याद कर लो है ना तो अबोरेंट का मतलब होता है किसी से नफरत करना किसी से हेट करना लोथसम लोथसम का भी मतलब होता है किसी से हेट करना किसी से गुस्सा करना क्लियर बात समझ आ रही है एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इडियोसिंक्रेटिक इडियोसिंक्रेटिक वैसे कर लो इडियट है ना तो जो खुद का ही सोचता रहता है इसेंट्रिक मैंने बोला था इन का मतलब थोड़ा सा सनकी या खुद जो सेल्फ सेंट्रिक होता है उसकी सेंस में भी जाता है ठीक है और एक हमने पढ़ा था विचित्र अजीब सा तो उसके सेंस में भी जाएगा दैट इज जब भी, भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है वो हमेशा ये बोलता है कि फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रियट आंसर ऑफ द गिवन वर्ड मोस्ट अप्रोप्रियट वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि राइट आंसर एग्जैक्ट आंसर ऐसा कुछ नहीं बोलेगा मोस्ट अप्रोप्रियट मतलब जो चार ऑप्शन आपको गिवन है उसमें से वट इज द राइट और वट इज द मैक्सिमम नियर बाय आंसर ठीक है जिसके मैक्सिमम नियर बाय होने के चांसेस हैं या जो मैक्सिमम उसके बिल्कुल क्लोज है राइट right? ठीक okay. you know, है, है या फिर peculiar. Peculiar का भी मतलब होता है, विचित्र, अजीब. कुछ इनको words को आपको अगर बार बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद में दीज वर्ड्स विल स्टार्ट गेटिंग रिपीटेड तो उस टाइम समझना कि आप सही डायरेक्शन में हो ग्रोटेस्क एक अच्छा वर्ड उसको भी अगेन पढ़ लेना ठीक है ओके okay. अब इसको देखिए Innate करना, करनाट का मतलब क्या होगा इन्नेट का मतलब होता है जन्मजात ठीक है कोई बचपन से ही बिल्कुल एकदम अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही काफी ज्यादा मतलब उनके अंदर को टैलेंट होता है तो दैट इज कॉल्ड इनेट मतलब जन्मजात कोई को टैलेंट है ठीक है इनहेरेंट ठीक है वो चीज आपको पीछे से ही वो चीज मिली है राइट इनहेरेंट कंजेनिटल कंजेनेटल मतलब वो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी है ना कुछ ऐसा कोई कैरेक्टर आ जाता है ऐसी कोई क्वालिटी आ जाती है जो वैसे नेचुरली वो चीज बच्चे के अंदर होती है दैट इज कॉल्ड इनेट कंजेनिटल इन इनवेटरेट ठीक है तो वेटरन से याद कर लो वैसे वेटरन मतलब जो बड़े विख्यात होते हैं ठीक, है? ठीक, है? ठीक है वेटरन जो बड़े विख्यात होते हैं राइट तो वेटरन लोग कौन बनते हैं जिनके अंदर कुछ कला होती है जिनके अंदर टैलेंट होता है इनवेटरेट मतलब जो बचपन से ही इनेट ठीक है योग्य डीप रूटेड क्रोनिक ठीक है क्रोनिक मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही चीज तो जैसे हम कई बार बोलते हैं क्रोनिक डिजीज समटाइम्स वी से क्रोनिक डिजीज राइट तो वैसा क्रॉनिक मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रही है बट यहां पर डिजीज नहीं है क्रोनिक मतलब वो क्वालिटी भी हो सकती है ऐसा नहीं है कि डिजीज ही ट्रांसफर होता है क्वालिटीज भी कई बार है ना वी ऑल नो अबाउट एक्चुअल मतलब, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज या क्वालिटी कुछ भी ट्रांसफर होगी ओके नेक्स्ट वर्ड इज इन बोन जो बचपन से ही है ठीक है ओके okay. फिर हमारा एक वर्ड आता है दैट इज इन बेसाइल इम्बेसाइल इम्बेसाइल का मतलब क्या होगा इम्बेसाइल का मतलब होता है एकदम स्टूपिड फुलिश ठीक है एकदम स्टूपिड फुलिश निनकम पूप एकदम व्यर्थ है ना ऑप्ट्यूज ठीक है धुंधला जिसका कोई महत्व ही नहीं है कोई चीज अगर धुंधली दिख रही है तो उसका क्या ही महत्व रह गया ठीक है इनेन इनेन मतलब वैसे समझ लो स्टूपिड इनसेन टाइप है ना एसिनिन एसिनिन एस गधा ऐसे याद कर लो एस से रिलेट कर लो इसको ठीक है एसिनिन डून्स डोल्टिश ठीक है ओफ ये थोड़े से जानवरों से रिलेट करा गया इसको मोस्टली योकल हो गया ओफ हो गया Bucolic हो गया ब्यूकोलिकोकल ओक या फिर इम्बेसाइल अब कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है आई एम गोइंग टू हाईलाइट दो इनको आप याद करो

Imbis, हुए फिर से. So, इसको आप रहने दो एंड ठीक uh, है चीजें okay, so आपको समझ आई होंगी ठीक है एट एंड ऑफ द सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट आर कोर्स जिसमें कि यू विल गेट सेवेंटी फाइव डेज कोर्स है ये इसमें कि आपकी जो क्लासेस ऑनलाइन भी रहेंगी ऑफलाइन भी रहेंगी ऑनलाइन uh, क्लासेस हैं या ऑफलाइन के भी गेट एक तो बेनिफिट आपको नोट्स ठीक है फॉर योर प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी क्योंकि टेस्ट सीरीज प्लेज अ वेरी क्रुशियल रोल इन यूर प्रिपरेशन एंड यूलटरशिप क्योंकि टेस्ट सीरीज मेंटरशिप और आपकी मेहनत अगर ये चीजें सही डायरेक्शन में है डेफिनेटली जो चीज़ आप डिजायर कर रहे हो डेफिनेटली विल गेट दैट राइट सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड इफ यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल द एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ये पीडीएफ जो आपको मिलेगा इसको आप अच्छे से रिवाइज करना नथिंग एल्स आई ओनली वॉन्ट यूर एफर्ट्स ठीक है अगर किसी भी बच्चे की इंग्लिश अगर थोड़ी सी वीक है प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए टाइम के साथ वो डेफिनेटली इंप्रूव करने लग जाएगी एंड यू विल सी इन अ चेंज ओके, okay. तो so, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टिल देन टेक केयर बाय बाय जय हिंद जय भारत